Hi everyone. I'm recording this message at home and I hope you're seeing this at home. Katrina Kaif बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हैं और वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में भी गिनी जाती हैं। एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। कैटरीना ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म बूम से करी थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन वो इसके बाद रुकी नहीं और बॉलीवुड में आगे बढ़ती गईं और अपनी मेहनत और लगन से ही वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैटरीना की उन फिल्मों की जो कि आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगी। सूर्यवंशी कैटरीना कैफ की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवीज में से एक है, जिसमें उनके साथ नजर आएंगे अक्षय कुमार। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने। ये मूवी पिछले साल ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन पैंडमिक के चलते फिल्म को रिलीज नहीं किया गया था। ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि इस मूवी को OTT पर रिलीज करने की बात चल रही है, लेकिन वो सब अफवाहें निकली और फिल्म को मेकर्स थिएटर्स में ही रिलीज करेंगे। लेकिन अभी तक फिल्म को लेकर कोई ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है। कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म फोन बूथ काफी टाइम से चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फिल्म को गुरमीत सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। कैटरीना कैफ की ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा होने वाली है। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है की सक्सेस के बाद YRF ने इसके थर्ड पार्ट का ऐलान कर दिया है और इस फिल्म में भी मेन लीड में नजर आएंगे सलमान खान और कैटरीना कैफ। लेकिन इनके अलावा फिल्म में एक और एक्टर की एंट्री हो गई है और वो है इमरान हाशमी। रिपोर्ट्स के माने तो सलमान खान इस फिल्म की शूटिंग कभी कभी दिवाली की शूटिंग खत्म करने के बाद शुरू करेंगे और कैटरीना कैफ फोन बूथ की गुड़िया। जूल ऑफ इंडिया बॉलीवुड की एक्शन मूवी होने जा रही है, जिसमें अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में फेमस हॉलीवुड स्टार्स अल पाचिनो और कैमरन डियाज भी नजर आएंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रॉब कोहेन। अगर रिपोर्ट्स की माने तो कैटरीना कैफ और वरुण धवन साथ नजर आने वाले हैं एक अनटाइटल्ड मूवी में, जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं रेमो डिसूजा और प्रोड्यूस करने वाले हैं भूषण कुमार। ये फिल्म इंडिया के बिगेस्ट डांस रेडी फिल्म होने वाली है। इससे पहले वरुण धवन रेमो डिसूजा के साथ ABCD2 और स्ट्रीट डांसर 3D जैसे मूवीज में काम कर चुके हैं। At the moment, I think I'll just say what probably everyone else would be saying and say Prabhas. रिपोर्ट्स की माने तो प्रभास और कैटरीना कैफ साथ में एक एक्शन मूवी में नजर आने वाले हैं, जिसको डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद। रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि सिद्धार्थ आनंद ने दोनों एक्टर्स को इस प्रोजेक्ट की नरेशन दी थी और दोनों को ये फिल्म की कहानी काफी अच्छी लगी है। और अगर सब कुछ सही रहा तो ऑडियंस प्रभास और कैटरीना कैफ की जोड़ी को सिल्वर स्क्रीन पर देख पाएगी। गन कहां से मिली? गाड़ी रोको। पिछले साल सितंबर में अली अब्बास जाफर दुबई गए थे इस फिल्म की शूट लोकेशन को फाइनलाइज करने के लिए। उन्होंने दुबई, अबू धाबी, पोलैंड, जॉर्जिया और उत्तराखंड जैसी जगहों को सिलेक्ट किया है इस फिल्म की शूटिंग के लिए। अली अब्बास जाफर ने यह भी रिवील किया था कि इस फिल्म में कोई भी मेल लीड एक्टर नजर नहीं आएगा, क्योंकि कैटरीना कैफ को इस मूवी में किसी को स्टार की जरूरत नहीं है। अली अब्बास जाफर का कहना है कि इस फिल्म में कोई भी रोमांटिक ट्रैक नहीं है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग कैटरीना कैफ फोन बूथ और टाइगर 3 की शूटिंग के खत्म होने के बाद शुरू करेंगी। इससे पहले कैटरीना कैफ अली अब्बास जाफर के साथ काम कर चुकी हैं मेरे ब्रदर की दुल्हन और टाइगर जिंदा है जैसी मूवीज में। तो ये थी कैटरीना कैफ की अपकमिंग मूवीज जो कि जल्दी हमें देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी फिल्मी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। तब से मैं यही हूँ, कहीं नहीं गई। When we greet one another, we fold our hands in namaste because we believe that God resides in the heart of every human. Stay home, stay safe, and take care.